वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संपूर्ण प्रदेश भर में अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें पहले की अपेक्षा 5 गुना तक पेनल्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने के एवज में 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि वसूली जाने की बात रखी गई थी, किंतु इन सब दंड प्रावधानों के बावजूद भी चंदेरी तहसील के ग्राम पंचायत नया खेड़ा में तालाब गहरीकरण की आड़ में अवैध उत्खनन को अंजाम दिया जा रहा है। मामला चंदेरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरा नया खेड़ा का है, जहां ईसागढ़ चंदेरी मुख्य मार्ग पर वन चौकी के सामने तालाब गहरीकरण के नाम पर भारी भरकम मशीनों द्वारा लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा अवैध उत्खननकर्ता, मशीनों के मालिक और ग्राम पंचायत नया खेड़ा के सरपंच को प्राप्त हो रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गहरीकरण के नाम पर की जा रही खुदाई से निकली गई मिट्टी को ग्राम पंचायत गोरा के सरपंच और उत्खननकर्ता के द्वारा एलएनटी कंपनी में 5,000 से लेकर 10,000 तक प्रति डंपर चक्कर के हिसाब से बचाए जा रहे हैं, और यह अवैध उत्खनन लगभग 3-4 दिन से सतत प्रक्रिया में है, जिससे लगभग 400 से 500 डंपर गिट्टी मिट्टी निकाली जा चुकी है। तालाब गहरीकरण के नाम पर हो रहे उत्खनन को लेकर सूचना चंदेरी के तहसीलदार को दी गई। तहसीलदार चंदेरी ने तत्काल प्रभाव से रुकवाया, किंतु उत्खननकारियों ने पुनः उत्खनन शुरू कर दिया। बार बार उत्खनन कार्य को रुकवाए जाने के पश्चात भी उत्खनन कार्य नहीं रुका है और न ही मशीन उस तालाब से हटाई गई। जल निगम के माध्यम से इनका काम चल रहा है, एलएनटी कंपनी कार्य करवा रही है, तो इसके संबंध में मीडिया ने अभी जानकारी प्राप्त हुई पटवारी से कि कुछ तालाब गहरीकरण का कोई कार्य चल रहा है, तो उसको पता लगाया तो पता है एलएनटी कंपनी इसमें कार्य कर रही, तो कहाँ उसका तत्काल भी बंद करवा दिया है और इसको एलएनटी कंपनी से देखते जांच करवाते हैं कि तालाब गहरीकरण के नाम पर एलएनटी कंपनी ने क्यों खोदा है। सर ये काम चल रहा है, इसका भुगतान का माध्यम क्या रहेगा सर, किसके द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा? एलएनटी कंपनी कर रही है, जल निगम या एलएनटी कंपनी से इसका भुगतान होगा, तो वो इसकी डिटेल जानकारी कोई बता पाएंगे। और सर सरपंच का सर क्या भूमिका है सर इसमें? सर अब तालाब गहरीकरण के लिए बात कर रहे हैं तो इसकी डिटेल भी जनपद जनपद सीओ साहब से पूछना पड़ेगा, इसका क्या है गहरीकरण हो रहा है, क्या स्थिति हो रहा है, तो ये जांच का विषय है। सर आपने काम बंद करवाया है, तो काम बंद करने का क्या कारण है सर? अब जनप्रतिनिधि है, आपकी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि ये अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं, इस चक्कर में तत्काल फोन करके काम बंद करवा दिया। यदि सर आगे इस प्रकार का कार्य प्रारंभ, यदि अवैध उत्खनन पाया जाता हो और कोई गलत काम हो रहा है, तो इसको तत्काल इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चंदेरी से सीताराम अहिरवार की रिपोर्ट।